आगरा में चौकी इंचार्ज दरोगा पर दबंगई गाली गलौज करने के किशोरों ने आरोप लगाए हैं। मिठाई की दुकान के सामने से गाली गलौज करते हुए कुर्सी मेज हटवाए गए। दरोगा द्वारा कुर्सी टेबल उठाने का वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पीड़ित दुकानदार किशोरों का आरोप है कि दरोगा द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और कार्यवाही की भी मांग की गई। पुलिस के मुताबिक सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया और झूठे आरोप लगाए गए। क्या नाम है? अनुज सिकरवान नाम है मेरा। शमसाबाद के पास रहता हूँ मैं। यहाँ मैं अपने दुकान पे हूँ, अपने जीजाजी की दुकान पे। मैं और मेरा भाने दुकान चलाता है नाश्ता की और मिठाई की। तो क्या हुआ, यहाँ पे चौकी इंचार्ज नए आए हुए हैं, तीन चार दिन से हमारे पास आ रहे हैं, दिन में दो बार। तो हमको गालियाँ भी देते हैं, बोलते हैं यहाँ से दुकान हटाओ नहीं तो चालान काट दूंगा। और आए तो वो सारी हदें पार कर गए, हमारी चार कुर्सी और एक ब्रेंच लेके चले गए हैं और हमको गालियाँ भी दी हैं। उन्होंने बोला था तेरा हाथ तोड़ के पीछे कर दूंगा, ऐसे आप शब्द बोले उन्होंने। हाँ, इसकी शिकायत हमने थाने में की है। थाने में अभी नहीं की थी हमने। क्या नाम बेटा? सचिन। कहाँ रहते हो बेटा? अरनोटा चौरा। क्या मामला है बेटा आज का? आज मैं दुकान पे रहता हूँ पापा के साथ। पापा का तो जिला बदल है, वो आज ब्रेंच और कुर्सी उठा ले गया है। कौन ले गया? यहाँ पर चौकी इंचार्ज। क्यों ले गए हैं? पता ही नहीं, ये धमकी देते हैं, गाली देते हैं और ये कहते हैं कि तू हटा दुकान अपनी बंद कर, चालान काट दूंगा ये कहते हैं। कितनी कुर्सी और टेबल ले गए? टेबल एक है, कुर्सी चार है। आपने इसकी शिकायत थाने में की अभी? नहीं, अभी नहीं।